नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल के डिपार्टमेंट सर्च। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक होम थिएटर आपको दिखाई देगा। ये जो है अभी चालू है, लेकिन इसके अंदर हमिंग साउंड आ रहा है, तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। तो सबसे पहले मैं इसको ऑन करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये कैसा इशू हो रहा है। और एक्चुअली में इसका पावर कॉर्ड भी खराब था, इसकी वजह से कुछ परेशानी आया है और चेक करना भी काफी मुश्किल है क्योंकि बहुत डिस्टेंस में है। तो जैसे कि आपको अभी दिखाई दे रहा है, सुनाई भी दे रहा होगा कि कैसा साउंड है। मैं बंद किया और अभी देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा है। देखिए अब जो है मैंने इसको खोल दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पता करना बहुत मुश्किल है कि आपका कौन सा आईसी खराब है। यहाँ पे तीनों में से कोई एक या दो खराब हो सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पहले तो आपको ये जो डायोड आपको देख रहा है ना, ये चार डायोड आपको चेक करना होगा। ये इनमें से कोई खराब होगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा था वो एसी में आ रहा था और यहाँ पे वो फिल्टर होकर डीसी बना है और ये फिल्टर कैपेसिटर है, तो यहाँ पे लीकेज होने पर भी दिक्कत हो सकता है। तो पहले आपको देखना होगा कि ये शॉर्ट है कि नहीं है। उसके बाद देखिए ये काफी गर्म हो रहा है, तो इसके पीछे की वजह जो है कोई, ये खराब होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। तो सिंपली मल्टीमीटर को बाजार मोड में सेट कर लीजिए, फिर उसके बाद आप मेरी तरह जो है ऐसे चेक कर लीजिए। बीप साउंड नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। अब जो है आपको एक एक करके ये छुड़वाना है, आपको स्क्रू निकालना पड़ेगा यहाँ से, नहीं तो आपको यहाँ पे पता करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा खराब है। ये बहुत ज्यादा टाइट है, तो मैं पीछे की साइड से इस तरीके से इसको खोलने की कोशिश करूंगा। प्लायर्स, तो देखिए मैंने प्लायर्स ले लिया, खोलना काफी मुश्किल का है प्लायर्स के बिना। देखिए अब ये लूज हो चुका है, अब हम इसको खोल सकते हैं। खोल के इसको थोड़ा सा साइड कर देंगे, मतलब पता लग जाएगा, वो अलग अलग हो जाएगा। किसी एक का हीट हम इसके बाद अभी डिफाइन कर सकते कि हाँ कौन ज्यादा गर्म हो रहा है, क्योंकि चालू करते ही कोई भी आईसी तुरंत इतना गर्म नहीं होना चाहिए जितना गर्म यहाँ पे हो रहा है। तो हम उस आईसी को खोल के बदल देंगे। अब इस तरीके से रख देंगे और एक ट्वीजर लेंगे, बहुत अच्छा तरीका है, हर कोई कर सकता है। इसके लिए एमटेक बीटेक कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा ये सब रिपेयर करने के लिए, और मैं आप लोगों को बेसिक चीज जो है दिखाऊंगा, वो हर कोई कर सकता है। अगर उसको आयरन चलाना आता है तो वो कर लेगा। देखिए अभी जो मैंने किया ऐसे डिस्कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके आप थिनर ऐड कर दीजिए और जो तुरंत गर्म होगा वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको ऑन करता हूँ। अब देखिए कौन गर्म हो रहा है, ये देखिए, देख पाया, ये सबसे ज्यादा गर्म हो रहा है। लेकिन ये देखिए ये दोनों नहीं हो रहे, मतलब खाली एक आईसी को बदल देने से ही ठीक हो जाएगा। और बहुत आसान तरीका मैं आप लोगों को दिखाया, देख सकते हैं धुआं आ रहा है, देख पा रहे, ये छोड़ देंगे तो और ज्यादा गर्म हो जाएगा और ज्यादा इसमें आवाज होने लगेगा, देखा। तो
थिनर जो है बहुत ही जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, तो इसके लिए थिनर का इस्तेमाल करना सही रहेगा। अब जो है बंद कर देंगे इसको और इसको चेंज कर देंगे। इसका नंबर जो है TDA2030A, ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है D2030। एक्चुअली में ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट है, तो मतलब सस्ता वाला, तो इसके लिए सही है, कोई दिक्कत नहीं। अभी जो है हम इसको खोल देंगे। देखिए बहुत मतलब गलत तरीके से इसमें लगाया गया है, जो कि मतलब बच्चों वाला काम करके रखी है कंपनी ने, तो बहुत बेकार काम किए हैं इन्होंने। तो कोई बात नहीं, हम इसको ठीक कर देंगे। पहले तो खरीदने के लिए भेज देंगे और ये साफ कर देंगे, साफ करके इसको निकाल देंगे। तो आपको चाहिए एक डिसोल्डरिंग विक इस तरीके का, और थोड़ा सा हम सोल्डर पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। और ये टेबल थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए आपको नहीं दिख रहा है और मेरे को भी नहीं दिख रहा है कहाँ क्या है, क्योंकि ये लैपटॉप का टेबल है और इसमें होम थिएटर वगैरह करना थोड़ा डिफिकल्ट है, जगह बहुत कम है। इसीलिए आयरन भी सिल्प मोड में चले गए थे, तो फिर हम उठवाए, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए इस तरीके से इसको खींच लेंगे, इसके अंदर सोल्डर वायर जितना भी इसमें लगा हुआ है। तो सोल्डरिंग जब साफ हो जाएगा तब इसको आराम से निकाल पाएंगे, ठीक है। देखिए कुछ इस तरीके से, अब थोड़ा सा इसको सीधा करेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, अब जो है इसको दबा देने से ये नीचे आ जाएगा। तो मैंने निकाल दिया और इसको अभी बदल देंगे, नया लगा देंगे, ठीक है। तो मैं दे देता हूँ लाने के लिए। तो बहुत टाइम लग गया है आईसी ढूंढने में, क्योंकि 2-3 दुकान जो है बंद था। अब यहाँ पे इसको इस तरीके से आपको डालना पड़ेगा सिंपली। देखिए मैंने डाल दिया, और थोड़ा बहुत दिक्कत होगा आपको, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इसको स्क्रू के साथ अटैच कर देना है वैसी फॉल्स, ताकि अलाइनमेंट जो है बने रहे, ठीक है। इस पे ध्यान दीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, अगर आप नॉर्मली सोल्डरिंग कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सोल्डरिंग आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा फ्लक्स ले लीजिए। अब इस तरीके से सोल्डरिंग कर दीजिए, देखा। जो कंपनी का काम था उससे बेहतर हुआ है कि नहीं हुआ, आप बताइए, कितना घटिया काम करके रखे थे कंपनी ने। तो मैं इसको एक बार और क्लीन कर देता हूँ, तो बाकी जगह पे टच नहीं करेंगे, क्योंकि ये वायर वगैरह टूट सकता है, तो उसमें भी टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको क्लीन करता हूँ। थोड़ा सा एक्सेस जो कनेक्टर है उसको काट देता हूँ, तो नेक्स्ट टाइम जब काम करेंगे, ये तो खराब होगा नेक्स्ट टाइम, तो आसानी हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने एक्सेस कनेक्टर को कट आउट कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको दोबारा से चालू करेंगे।
चालू कर दिया और अभी भी यहाँ पे हमिंग साउंड जो है नहीं आया। ठीक है तो चेक करते हैं यहाँ पे। टच करके देख रहा हूं कि ये आईसी सही है कि नहीं है। देखिए मैंने इसको लगा दिया और यहाँ पे हाथ